गूगल पिक्सल बड्स गूगल की तरफ से ये दूसरा अटेम्प्ट है। जो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था वो तो उतना अच्छा गया नहीं। बेसिकली जो फर्स्ट पिक्सल बड्स आए थे वो आपस में कनेक्टेड थे वायर के थ्रू, एंड इवन दैट वाज नॉट अ शॉर्ट कमिंग, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उनकी जो क्वालिटी थी, साउंड क्वालिटी, वो अच्छी नहीं थी, बैटरी लाइफ भी अच्छी नहीं थी। तो कुछ चीज़ों को जो इश्यूज थे उसको इसमें फिक्स किया गया है। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे कॉन्स ज़्यादा नहीं है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। इसका जो केस है बाहर वो वाइट कलर में आता है, एंड मैट फिनिश में वाइट कलर है इसका। बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक देता है, काफ़ी कंफर्टेबल टू होल्ड है, पॉकेट में भी बहुत अच्छे से आपके फिट हो जाता है। बाहर बॉडी में एक फ्रंट साइड में LED दे रखी है जो कि चार्जिंग इंडिकेशन और कुछ और चीज़ों के लिए काम आती है। बैक साइड में एक बटन दे रखा है जिसका यूज़ है बेसिकली पेयरिंग के लिए। जो क्लोजिंग मैकेनिज्म है लिड का, काफ़ी स्टर्डी है, अच्छी क्वालिटी है, एंड रीअश्योरिंग लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा और लूज़ नहीं होगा। अब जहाँ तक बात है बड्स की, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के लगे मुझे। जो प्लास्टिक यूज़ की गई है काफ़ी स्टर्डी है, अच्छी क्वालिटी है, एंड इसमें एक रबर का छोटी सी टिप भी दे रखी है जो बेसिकली आपके कान में फिट होने के लिए बनाई गई है। कुछ कुछ बोस के ईयरफोन से इंस्पायर्ड लगती है ये सिलिकॉन की टिप, बट डिज़ाइन थोड़ी सी डिफरेंट है। इन ईयर टाइप के ईयरफोन्स हैं ये, मतलब कि ये आपके ईयर कनाल में अंदर तक चले जाते हैं सिलिकॉन टिप्स की हेल्प से, और एक पैसिव नॉइज़ कैंसिलेशन क्रिएट करते हैं। इसमें बाय द वे एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है, उसका एक दूसरा जुगाड़ निकाला है गूगल ने, वो उसमें दिया गया है। वो क्या है मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। तो बड्स राउंड शेप के हैं, कान में लगाने पर बहुत ज़्यादा बाहर तक प्रोट्रूड नहीं करते हैं, निकलते नहीं बाहर। जो आउटर बॉडी है बर्ड्स की जिसपे गूगल का लोगो है वो टच सेंसिटिव है। टच पैनल की हेल्प से आप प्ले, पॉज, नेक्स्ट ट्रैक या प्रीवियस ट्रैक कर सकते हैं, बट इसमें वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है। अगर आपको वॉल्यूम कंट्रोल करनी है तो फिर आपको फ़ोन से ही करना पड़ेगा। वो लंबे टाइम तक इसको आप वेयर कर सकते हैं एंड बिल्कुल भी कान में दर्द नहीं होगा। तो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल ईयरबड्स जो मैंने आज तक यूज़ किए हैं। बात करते हैं साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे। मतलब कंपेयर टू इसी रेंज में जो बाकी ईयरफोन्स आते हैं, JBL के, सैमसंग के, सोनी के, उनकी जो साउंड क्वालिटी है उससे स्लाइटली मुझे बेटर लगा, क्योंकि इसमें जो बेस कंट्रोल है वो बहुत बढ़िया है। मतलब बेस काफ़ी टाइट है, ओवर पार नहीं कर रहा है मिड्स और हाइस को, बैलेंस साउंड आती है और साउंड काफ़ी क्लियर भी आती है। तो ऐसा नहीं है कि आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, वैसा लाउडनेस नहीं है, बट एक गूगल जैसे हर चीज़ अपना करता है सटल। नॉर्मल जैसे पिक्सल फोन्स आते हैं सटल रहते हैं, क्लासी रहते हैं, वैसी इसकी साउंड क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेंज काफ़ी अच्छी है बड्स की, इसको आप लगाकर फ़ोन को छोड़ के दूर तक भी जा सकते हैं और आपका जो कनेक्शन है वो मेंटेन रहेगा, ब्रेकिंग नहीं होती है वॉइस की, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। बैटरी लाइफ बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे, मतलब इससे बेटर बैटरी लाइफ इससे सस्ते ईयरफोन्स में भी आते हैं, तो इस मामले में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता था, बट आई थिंक जो नेक्स्ट पिक्सल बड्स प्रो आए हैं उसमें इस चीज़ को थोड़ा सा फिक्स किया गया है। हालांकि इसकी जो बैटरी लाइफ है उसको मैं डिसेंट बोलूँगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं, आपको 8-8 घंटे, 6-6 घंटे लगाना होता है, तब तो हो सकता है आपको थोड़ा इशू हो, बट अगर आप एक कैजुअल यूज़र हैं, आपको थोड़ा बहुत ही यूज़ करना है पर डे, तो आई डोंट थिंक कोई इशू होगा, बिकॉज जैसे ही आप बड्स को उसके केस में वापस डालेंगे वो चार्ज हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड बाय द वे इसमें वायरलेस चार्जिंग का सिस्टम नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वायरलेसली चार्ज हो जाएगा तो ये नहीं होता है। द ओनली ऑप्शन टू चार्ज इज थ्रू आर USB टाइप सी केबल। पेयरिंग करने के लिए इसमें एक ऐप दे रखा है, गूगल पिक्सल बड्स ऐप, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप की हेल्प से इसमें कई सारे फंक्शंस हैं ये फ़ोन्स के जो आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि इक्वलाइजर की सेटिंग्स हैं वो थोड़ी बहुत आप चेंज कर सकते हैं, एंड जो कनेक्शन बिटवीन फ़ोन एंड ईयरबड्स होता है उसकी उसको थोड़ा सा सीमलेस बनाता है ये एप्लीकेशन। मुझे इसका एक और फीचर काफ़ी अच्छा लगा, वो है इन ईयर डिटेक्शन। अगर आप ईयरबड्स को कान से निकालते हैं किसी एक ईयरबड्स को,
तो म्यूज़िक अपने आप पॉज हो जाती है और वापस आप जैसे ही लगाएंगे म्यूज़िक अपने आप रिज्यूम हो जाएगी, प्ले करने लगेगी। तो इसको आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट इसको ऑन रखना ही मेरे ख्याल से समझदारी है, बिकॉज अगर आप एक ईयरफोन बाहर निकाल लें इसका मतलब है कि आप कुछ सुनने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आपको एक एडिशनल टैप नहीं करना पड़ेगा या पॉज नहीं करना पड़ेगा, म्यूज़िक अपने आप पॉज हो जाएगी। एंड ये गूगल का प्रोडक्ट है तो गूगल असिस्टेंट का जो उसमें इंटीग्रेशन है वो बहुत अच्छा है, तो गूगल असिस्टेंट को भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको वेयर करके, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा फीचर है। अब क्योंकि ये गूगल का है तो उसमें स्मार्ट चीज़ें कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली होंगी। उसमें से एक स्मार्ट चीज़ मुझे लगी वो है फाइंड डिवाइस, जिसकी हेल्प से आप ऐप के थ्रू अपने बर्ड्स को लोकेट कर सकते हैं। बाई चांस अगर वो कहीं खो गया या मिस हो गया तो आप एप्लीकेशन के थ्रू उसको लोकेट कर सकते हैं, तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। हालांकि ये थोड़ा थोड़ा एयरपॉड्स के साथ मिलता जुलता है, बिकॉज एप्पल एयरपॉड्स में भी ऐसा ही फंक्शन आता है कुछ। अब स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, तो 10,000 रुपीज़ के आसपास रेंज में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का ना होना एक ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए गूगल ने इसमें एक फीचर डाल रखा है जिसका नाम है अडैप्टिव साउंड। अब अडैप्टिव साउंड करता क्या है कि अगर आप किसी शोर शराबे वाली जगह पर जाते हैं, जहाँ पे जैसे मार्केट हो गया फॉर एग्जांपल, वहाँ पे काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, तो वॉल्यूम आपके गाने की या जो भी आप सुन रहे होंगे उसकी वॉल्यूम बढ़ा देगा, तो ऐसा लगेगा आपको कि हाँ बैकग्राउंड नॉइस कम हो गई बिकॉज आपकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। जैसे ही आप किसी शांत एरिया में जाएंगे वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगी। तो ये काइंड ऑफ हिट और मिस लगा मुझे, बिकॉज अगर बार बार आपकी वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रही है तो थोड़ा सा म्यूज़िक लिसनिंग एक्सपीरियंस जो है वो हैम्पर होता है। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि एक वॉल्यूम कंट्रोल नॉब है जो बार बार ऊपर नीचे हो रही है, वॉल्यूम ऊपर हो रही है, वॉल्यूम नीचे हो रही है, ऐसे ऐसे करके हो रहा है अगर आप फ्रीक्वेंटली एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं तो। तो मुझे लगता नहीं कि ये कोई लॉजिकल रिप्लेसमेंट है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का, बिकॉज वो तो एक डिफरेंट ही चीज़ होगी। एप्लीकेशन के अंदर आपको तीनों चीज़ों की बैटरी लाइफ दिख जाएगी, मतलब कि लेफ्ट ईयरबड, राइट ईयरबड और केस, उसमें कितनी बैटरी है, कितने परसेंटेज बैटरी है वो क्लियरली दिखाता है। तो ये एक अच्छा फीचर लगा मुझे। बाकी ओवरऑल बहुत ही सीमलेस और स्मूथ एक्सपीरियंस लगा मुझे इसको यूज़ करके। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं या मूवीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप 10,000 रुपीज़ तक के बड्स आप लेना चाह रहे हैं तो। अगर आपको इसके बारे में और कोई चीज़ पूछनी है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।